केंद्रीय कर्मचारियों के बाद इस राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू रहेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार की यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए इस वर्ष 1 जुलाई से लागू 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के बाद की गई है। तमिलनाडु सरकार की घोषणा से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि से तमिलनाडु सरकार पर 1,931 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। लेकिन दिवाली से पहले तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों को दी गई ये बड़ी सौगात कि उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर एक खुशखबरी सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।